नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत ही जिज्ञास होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है श्रम कानून, लेबर लॉ। लेबर लॉ के क्या होता है, हम हमारे देश के मजदूर को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना जिनके द्वारा उनको एक हक मिल सके, उनको एक दिशा मिल सके कि उनको कहाँ पर कितनी सुविधाएं मिलेगी और कैसे कैसे उनके जीवन यापन से जुड़ी चीजों का समावेशन होगा। तो इस एक्ट में या इस कानून में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि एक श्रमिकों को किन किन चीजों की सुविधाएं मिलती है, उनको एक कारखाने में या एक कंपनी में किन किन चीजों का ध्यान या किन किन चीजों को एक कारखाने के द्वारा उनको दिया जाना आवश्यक है, या लेबर कानून क्या कहता है। हम बात करते हैं कि लेबर कानून को कहाँ पे रखा गया है, संवर्ती सूची में रखा गया। संवर्ती सूची का तात्पर्य ये होता है जिसमें ऐसी सूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, या ऐसी सूची जिसके अंतर्गत आने वाला कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों परिवर्तन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि लेबर लॉ में है क्या। तो लेबर लॉ में पहली चीज आती है बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर का तात्पर्य यह है कि जैसे मैं हूँ, मैं आपसे कर्जा लिया हूँ, मैं, या ऐसे हम समझ सकते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से क्या कर लिया है, कर्जा लिया है। ए क्या है, बी से कर्जा लिया है। और ये क्या है, कुछ दिनों बाद ये क्या होता है, ये मालिक बनता है, और ये क्या होता है, ये लेबर, ये क्या होता है, मजदूर। जैसे ए और बी हैं, ए ने बी से क्या लिया है, उधार लिया हुआ है, और कुछ दिनों बाद मान लो बी किसी कार्य का शुभारंभ करता है और वो एक मालिक बन जाता है, और बी क्या है, सॉरी बी ए जो है बी से उधार लिया है, बी क्या है, बी मालिक बनता है। तो बी क्या करता है कि बी मजदूर ए से क्या कहता है कि आप मेरे यहाँ काम करो तब तक जब तक कि आप मेरे द्वारा लिए गए कर्ज को चुका ना दो। तो इसमें क्या होती थी कि इसमें जो है ए की इच्छा के विरुद्ध बी काम करवाता था। तो बंधुआ मजदूर का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप बांध कर रखते हो। बांध को रखने का मतलब ये होता है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहे हो। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य नहीं करा सकते हो, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हो, किसी की कर्ज के द्वारा आपको नहीं रख सकते हो। दूसरा होता है कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति। मान लो किसी भी कारखाने में, किसी भी औद्योगिक स्थान पे कार्य करते समय किसी भी मजदूर को क्षति पहुंचती है, या उसके विकलांग हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस संस्थान या उस कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है, या उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिया जाता है। तीसरी चीज आती है बिल्डिंग रूल। बिल्डिंग रूल के अंतर्गत जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, और बिल्डिंग आपने देखा होगा, संभवतः प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर देखते होंगे आप हरी हरी एक लाइट पन्नी लगी होती है, कहीं कहीं जाली का प्रयोग किया जाता है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका कहीं, संभवतः ऐसा कभी ना हो, लेकिन मान लो अगर कहीं पैर फिसल जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो बच सके, और धूप वगैरह में वो बाहर से ग्रीन पन्नी का उपयोग, ग्रीन पन्नी का देखते देखते ग्रीन जाली होती है हल्की हल्की, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो उनको क्या होता है, बिल्डिंग रूल के तहत उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनको उनके लिए हेलमेट वगैरह सारी चीजों को उपयोग किया जाता है। फिर तीसरी चौथी चीज आती है टाइमली पेमेंट। उनको एक समय पर पेमेंट दिया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप एक महीने पहले महीने शुरुआत किए तो एक महीने में पेमेंट दिए, दूसरे महीने शुरुआत किए तो आप ढाई महीने में पेमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता जब पहुंचती हो तब आप पेमेंट न देते हो। एक निश्चित समय पर वो क्रमशः हर समय कहीं ना कहीं साइकिल में चलना चाहिए कि एक महीने इस तारीख को आपको पेमेंट दिया, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको पेमेंट दिया चाहिए। लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि किस रेंज में आपको पेमेंट मिलनी है, क्योंकि इसी से वो निर्धारित होता है कि अगला व्यक्ति अपने कार्य को कैसे संपादित करेगा। उसके बाद आता है 8 घंटे आप
इसी विभक्ति से संभवतः 8 घंटे काम करा सकते हो। अगर इससे बाद काम कराते हो तो इसमें आपको उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। उस ओवर टाइम देने का तात्पर्य यह है कि ओवर टाइम व्यक्ति काम करता है, कहने का मतलब 8 घंटा किसी की क्षमता है कार्य करने की और वो 10 घंटा कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा कार्य कर रहा है। और शारीरिक क्षमता से ज्यादा कार्य करने का मतलब है कि वो उसका अलग से पैसा लेगा। तो इसमें क्या है, 8 घंटे काम करने में आप 4 घंटे काम करेंगे, फिर आधा घंटे रेस्ट के लिए, लंच वगैरह के लिए, फिर 4 घंटे काम करेंगे। देखो जो 8 घंटे की एक सीमा बनाई गई है, इसमें जो ओवर टाइम करते हैं उस ओवर टाइम के पैसे को कैसे बनाया जाएगा, मतलब उसको किस हिसाब से आप वेतन दोगे, उसको वेज एक्ट के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि एक व्यक्ति जैसे 8 घंटे काम कर रहा है तो उस 8 घंटे के 1 घंटे का जितना भी पेमेंट होगा वेज एक्ट के अनुसार उसे दुगना दिया जाएगा। जैसे मान लो 8 घंटे का किसी को 800 रुपये मिलता है, मतलब हम संभवतः कह सकते हैं कि 1 घंटे का 1 100 रुपये मिल रहा है, मतलब 100 रुपये मिल रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, मतलब 8 घंटे अपनी ड्यूटी का 2 घंटे ओवर टाइम, तो 8 घंटे 800 हुआ, लेकिन 2 घंटे क्या होगा, उसे दोगुना दिया जाएगा वेज एक्ट के तहत। तो कितना हो जाएगा, 8 4 1200, कितना हो जाएगा 1200। उसके बाद आती है मैटरिटी। मैटरिटी का मतलब होता है जैसे कंपनी में आप कोई भी कारखाना है वहां पर अगर कोई महिला गर्भवती महिला कार्य कर रही है, तो उसे गर्भ अवस्था के दौरान अंतिम दिनों में उसे छुट्टी दी जानी चाहिए, और उस छुट्टी के दौरान उसे हो सकता है उसके पोषण वगैरह का भी, उससे पैसे की आवश्यकता की पूर्ति भी की जानी आवश्यक है। तीसरा है, उसके बाद आता है लेबर यूनियन। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई मालिक जो होता है अपने लेबर की बात नहीं सुनता है, तो उस समय जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, वो एक संगठन बना सकता है और संघ बनाकर अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकता है, और अपनी बातों को प्रस्तुत करके अपनी बातों का हल भी प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद होता है वर्क डिस्प्यूट, नहीं होना चाहिए। वर्क डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कोई भी मालिक अपने मजदूर को किसी काम के लिए बुलाकर अन्य काम नहीं करवा सकता। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को आप या किसी मजदूर को आप राजगिरी करने के लिए बुलाते हैं तो आप उसे फर्नीचर का काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये वर्क डिस्प्यूट हुआ उसके साथ और ये कानून अपराध है। फिर इसके बाद आता है बेटर वर्क प्लेस। आपको अपने मजदूर को एक अच्छे स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है और वहां पे बारिश होने पर पानी टपक रहा है, तो ऐसे क्या हो सकता है, मजदूर की जान भी जा सकती है। तो उसके वर्क प्लेस जो होना चाहिए वो उसके कार्य के अनुरूप और सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर गंदगी हो, वहां साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे उसके मानसिक स्तर पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, उसके शारीरिक स्तर पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर आता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था कि जैसे किसी भी कंपनी में 100 वर्कर हैं, और 100 वर्क कभी कभी होता है कोई कोई कंपनी को पास काफी काफी ज्यादा काम आ जाता है, तो काफी ज्यादा काम आने पर ये होता है कि 100 लेबर उस कंपनी को के कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उस कंपनी के मालिक को ये होता है कि वो बाहर से किसी अन्य मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाए। जैसे मान लो कोई कंपनी है वो 100 मजदूर रखती है, स्थायी जो मजदूर है उनके 100, उनकी संख्या 100 है, और वो काम को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, काम शेष बच जा रहा है रोज, तो वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत से मजदूरों को ले जाती है। जैसे मान लो 10 मजदूर को उन्होंने अलग से बुलाया, तो पहले ये था कि मजदूर जो 10 मजदूर काम करते थे वो बाद में कुछ दिनों के बाद वो कहते थे कि हमें स्थायी रूप से यहाँ पे नौकरी दी जानी चाहिए। इससे क्या होता था कि इससे जो मालिक होते थे उनको नुकसान पहुंचता था, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उनके मालिक के पास काम हो लेकिन अगले कुछ दिनों बाद काम ना हो, तो इससे क्या होता था कि मालिक को भी नुकसान होता था। तो इसमें एक कानून लाया गया कि मालिक जो है वो अपने इच्छा अनुसार 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितना भी हो सके उसको साइन, बकायदा साइन करवा के मजदूर को अपने यहाँ अस्थायी रूप से रख सकता है, और समय आने पर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके उसे बाहर भी निकाल सकता है। ये इसके आने के तहत जो बीच में दलाल का उपयोग देखो तब किया जाने लगा था जब मजदूर ये कहने लगे कि हमें स्थायी रूप से बनाया जाए, तो मालिक क्या करते थे कि वो बीच में एक व्यक्ति को पकड़ते थे, एक व्यक्ति को, और वो क्या करते थे उसी से
आगे का काम करवा देते थे। तो बीच का जो दलाल होता था वो हमारे से पैसे लेता था, और दलाल जो होता था वो मजदूरों से खूब पैसे देता था। तो इससे क्या होता था कि जो मालिक को ज्यादा देना पड़ता था और मजदूर को कम मिलता था। लेकिन इसमें जो ये नियम बनाया गया, इसके तहत क्या हुआ, इसके बाद में जो इसका परिणाम आया, उसमें क्या था कि मालिक को कम पैसा देकर भी मजदूर अच्छे वेतन पा रहा था, क्योंकि उसमें दलाल की जो खपत थी वो नहीं थी। तो इसके बाद ये सारी चीजें, ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है इक्वल पेमेंट। तो जैसे इसमें ये बताया गया कि आपके पास अगर 100 स्थायी हैं, 10 अस्थायी रूप से हैं, तो आपको उन सभी को उनकी क्षमता के अनुरूप, जैसे आप अपने 100 स्थायी वाले को दे रहे हैं, वैसे ही आप 10 अस्थायी वालों को भी पेमेंट देंगे उनकी क्षमता के अनुसार। फिर आप पता है, फिर बात आती है सेफ फॉर ऑल। सेफ फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे कि आप 10 लोगों के लिए अलग कानून नहीं बनाएंगे, जैसे खाने की व्यवस्था ये है, तो चलो 100 लोगों को आपने बनाया है, तो उन्हीं 100 लोगों में इनको भी उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता था कि 100 लोगों के लिए अलग खाना बनाया तो 10 लोगों के लिए अलग। इससे क्या होता था कि मजदूरों को भी फायदा होता था और मालिक को भी फायदा होता था। मालिक को इतना चिंता नहीं होती थी कि इनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी है और इनके लिए अलग से। फिर बात आती है सॉल्व डिस्प्यूट इजली। तो इससे क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो डिस्प्यूट होता था जो बहुत ही इजिली सॉल्व हो गए। अब बात आती है, एक समय था जब सारी विदेश की या विश्व की सारी कंपनियां कह सकते हैं चाइना में निवेश करने लगी, आने लगी, चाइना में उनकी स्थापना, चाइना में उनका स्थायित्व तो होने लगा। तो आखिर वो चाइना की तरफ क्यों भागे थे, इंडिया की तरफ क्यों नहीं भागे थे? क्योंकि इंडिया में लेबर को अधिक क्षमता का काम दिया जाता, मतलब लेबर को उनकी उनको एक कहीं ना कहीं उनकी उनके हक को दिलाने के लिए एक अच्छा सा कानून बनाया जाता। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। उनको चाइना में वो ये नहीं कहते कि गर्भवती महिला हो तो ऐसा होगा, नहीं। वो उन्होंने ये कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको एक अच्छे से अच्छा लेबर देंगे, आप जहाँ जितना काम करवाइए एक फिटनेस वाला लेबर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें कंपनियों को ये चिंता नहीं थी कि हम 8 घंटा काम कराएंगे, वेजेक के अंदर हमें दोगुनी देनी पड़ेगी, लेबर यूनियन के से वर्क डिस्प्यूट वाला मैटर रहेगा, बेटर वर्क पे चाहिए, तो उन्हें ऐसी चिंता नहीं होगी। इससे क्या हुआ कि बहुत सी कंपनियां चाइना में जाने लगी, और चाइना में भी थी भी। लेकिन कोरोना काल में हुआ क्या कि बहुत सी कंपनियां चाइना से बाहर आ रही हैं, और इसी अवसर को देखते हुए भारत जो है क्या कर रहा है, वो भारत ये सोच रहा है, हमारा देश ये सोच रहा है कि हम चाइना से निकल रही कंपनियों को भारत में लाएं। और इससे क्या होगा कि हमारी आर्थिक आर्थिक भी हमारा जो भारत है वो आर्थिक रूप से सक्षम भी बनेगा। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम हमारी यूपी सरकार जो है वो अग्रिम रूप से आगे बढ़ी है। यूपी सरकार ने चाइना की इसी लेबर एक्ट को देखते हुए, यूपी सरकार ने भी अपने इन्हीं लेबर एक्ट में क्या कर दिया है, इन सारी चीजों को खत्म कर दिया है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, लागू है। तो इसमें क्या हुआ कि आप 12 घंटा भी काम करा सकते हैं, वेज एक्ट कोई बात नहीं, लेबर यूनियन हो या नॉन, वर्क डिस्प्यूट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है। फायदा अधिक है क्योंकि ये केवल 3 साल के लिए है। ये केवल कितने साल के लिए है, और ये 3 साल के लिए, 1-2 साल तो ऐसे ही बीत गया क्योंकि बहुत सारे मजदूर अपने गाँव में पड़े हुए हैं कोरोना काल की वजह से। तो 1.5 साल बीत चुका है, 4 साल बचा हुआ है, ये भी बीत जाएगा। और इससे क्या होगा, जो हमारी निवेश वाली कंपनियां हैं जो बाहर से आई हुई हैं, 1 साल के बाद हमारे यहाँ काफी सारा रोजगार भी होगा और अच्छी वेतन भी मिलेंगे, और हमारे कानून में दोबारा परिवर्तन भी हो जाएगा संभवतः, क्योंकि 3 साल के बाद कुछ ना कुछ तो नियम आएगा ही, सॉरी आएगा ही। तो इससे क्या होता है, हम समझ चुके होंगे लगभग लगभग समवर्ती सूची वगैरह हम समझ चुके होंगे कि एक श्रमिक का अधिकार क्या होता है। वो अपने अधिकार के लिए, अधिकार उसका यही होता है, और वो अपने अधिकार के समक्ष अपने कार्य को संपादित करता है। जय हिंद।